बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट टू की, जिसको एडीपी पार्ट टू और एडीसी पार्ट टू भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 8 सुहेल अफजल साहब की बुक से शुरू किया हुआ है। दैट चैप्टर वॉज मटेरियल कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग, उसका हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है ईओक्यू। ईओक्यू मीन्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। लास्ट वीडियोस के अंदर जितने भी मैंने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के दो क्वेश्चन करवाए हैं, 22 और 23, क्योंकि ये टॉपिक 22 से ही शुरू होता है, तो पिछले दोनों क्वेश्चन से ये थोड़ा सा क्वेश्चन, मतलब कह लें कि आप इसको कह सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है। बस एक छोटी सी ट्रिक है इसके अंदर, वो बस आपने समझ जानी है। इसके अलावा आपको इस क्वेश्चन की कंप्लीट समझ में नहीं आ रही, कोई भी इश्यू आ रहा है, कोई क्यूरी आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह आपकी उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 क्या है ईओक्यू का। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि मिसबा एक मटेरियल, मतलब उसने परचेज करना है, एनुअल रिक्वायरमेंट उसके पास दी हुई है 64,800, यानी कि 64,800 पूरे साल के अंदर 64,800 का मटेरियल परचेज करना है कंपनी ने। अब उसके लिए उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 400 रुपया। कैरिंग कॉस्ट उसने दी हुई है, कैरिंग कॉस्ट को जो नाम उसने इस्तेमाल किया स्टूडेंट्स, उस जो कैरिंग कॉस्ट का दूसरा नाम इस क्वेश्चन के अंदर उसने यूज किया है, वो है स्टोरेज कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का दूसरा नेम क्या है, स्टोरेज कॉस्ट, तो वो उसने दी हुई है 5। लास्ट वीडियोस के अंदर वो परसेंटेज में दे दिया करता था, अब उसने आपको वैल्यू दे दी हुई है, तो 5 उसने कैरिंग कॉस्ट मींस स्टोरेज कॉस्ट उसने दी हुई है, और आगे एक चीज उसने इंटरेस्ट दे दी है आपको 10%। अब ये इंटरेस्ट क्या है, अब इंटरेस्ट हम किसका लेंगे, एंड पे जाके अगर आप देखो ना, तो आपको 40 दिया हुआ है पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, मैंने कहा था लास्ट दोनों वीडियोस के अंदर कि परचेज कॉस्ट को या परचेज प्राइस को पर यूनिट प्राइस या पर यूनिट कॉस्ट कहते हैं। अब ये इंटरेस्ट जो 10% है ना, ये आपने पर यूनिट कॉस्ट का लेना है। अब आप स्टूडेंट्स कहोगे सर जी ये क्यों, हमारे क्वेश्चन के अंदर जो भी फार्मूला हम यूज करते हैं या प्रूफ टेबल करते हैं, इंटरेस्ट का तो कोई नाम ही नहीं आता। अभी आपको गाइड किया जाता है। नंबर 1 देखें, रिक्वायरमेंट में आ जाए, आपने सबसे पहला क्या मालूम करना है, ईओक्यू। दूसरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तीसरा आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर का वही मतलब है जो कि क्वेश्चन नंबर 23 में था, नंबर ऑफ ऑर्डर इज प्लेस्ड, यानी कि कितने दिन बाद ऑर्डर मंगवाना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर उसका दूसरा नाम है। और लास्ट में आपने क्या करना है, प्रूफ टेबल। तो मैंने आपको कहा था जब भी क्वेश्चन आ जाए आपने ईओक्यू का जवाब निकालें, प्रूफ टेबल सीधा सा बनाए, बाकी 2 या 3 जितनी भी रिक्वायरमेंट हो ना वो प्रूफ टेबल के अंदर से ही हो जाती हैं। तो सबसे पहले ईओक्यू करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट का फैक्टर आ गया है। अब आपका ईओक्यू का थोड़ा सा फार्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा, उसमें एक चीज ऐड हो जाएगी। तो ईओक्यू का फार्मूला क्या बन जाएगा, ईओक्यू का फार्मूला होता है 2√2 मल्टीप्लाई बाय AR मीन्स एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय OC मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट। प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपने कैरिंग कॉस्ट में ऐड करना है। अब आप स्टूडेंट्स कहोगे सर क्यों, इंटरेस्ट को क्यों ऐड करना है, ये भी आपको बात बता देते हैं। देखिए जी, कैरिंग कॉस्ट का क्या मतलब होता है, कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि कंपनी ये सोच रही है कि साल के शुरू में ना, साल के शुरू में मैं पूरा 64,800 का मटेरियल मैं ला के अपने गोदाम में रख देती हूं, और उसके लिए कंपनी को क्या मजीद खर्चे बर्दाश्त करने पड़ेंगे ना। ईओक्यू का मेन मकसद क्या है, ईओक्यू ईओक्यू टॉपिक का मेन मकसद ही ये होता है स्टूडेंट्स, क्या मकसद होता है कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है ना, मैं आपको सिनेरियो बेस लेके चलने लगा हूं, अब कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो ये जानने की कोशिश करती है कि अगर हम साल के शुरू में सारा मटेरियल मंगवा लें, या साल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्वार्टर में, या डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, या डिफरेंट डिफरेंट मंथ में हम मटीरियल मंगवाते जाए, तो हमें सस्ता किसमें पड़ेगा। तो आपके अकाउंटेंट ने कहा कि सर जी दोनों सिचुएशन में नहीं सस्ता पड़ेगा, सस्ता तब पड़ेगा जब आप ईओक्यू का फार्मूला यूज करोगे, उसमें आपको जितना मटेरियल आपको कह देगा ना कि इतना मंगवाओ, उतना ही आपने साल के अंदर मंगवाना है। अब ये इंटरेस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट में हमेशा इंटरेस्ट प्लस होता है। अब देखिए, अगर ना अगर वो साल के अंदर मटेरियल मंगवाई ना कंपनी, तो कंपनी के पास पैसे पड़े होंगे ना, वही कंपनी अपने पैसे को बैंक में रखे, बैंक में रखने के बाद साल बाद या मंथ बाद उसको इंटरेस्ट मिलता जाएगा, सूद मिलता जाएगा, यानी कि पैसे के अंदर उसका फायदा होता जाएगा। लेकिन यही पैसे उसने क्या किए हैं, मटीरियल मंगवा लिया, तो समझ लें वो पैसा जो कंपनी अपने बैंक अकाउंट में रख सकती थी, वहां से इंटरेस्ट हासिल कर सकती थी, वो भी इंटरेस्ट कंपनी से जाता रहा।
ऐसा ही है क्योंकि कंपनी ने मटेरियल मंगवा लिया, क्योंकि कंपनी मटेरियल या साल के स्टार्ट में मंगवाएगी या साल के दरमियान में, जितने मंथ बाद होंगे वो अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक मंथ के अंदर मंगवाएगी। तो इसीलिए हमने इंटरेस्ट को कैरिंग कॉस्ट में ऐड करना है। क्यों? वजह क्या है कि कैरिंग कॉस्ट में ऐड करना है इसको, इसलिए क्योंकि ये इंटरेस्ट फर्ज करे, अगर हम पैसा इन्वेस्ट ना करते, मटेरियल ना मंगवाते, तो इस पैसे को बैंक में रख के हम इंटरेस्ट ले सकते थे, सूद कमा सकते थे। तो आपने इंटरेस्ट फैक्टर को क्या करना है, इसमें कैरिंग कॉस्ट में ऐड कर देना है। अब देखें EOQ is equal to under root 2 multiply by AR, annual requirement कितनी है 64,800 multiply ordering cost कितनी है आपकी 400 divided carrying cost आपकी कितनी है 5 और plus interest आपका कितना है 10%। अब ये 10% हमेशा आप किसका लेंगे, purchase price का। purchase price का दूसरा नाम है per unit cost, तीसरा नाम है per unit price। तो last two question के अंदर आप क्या किया करते थे, आप carrying cost आपको percentage में दी होती थी, फिर आप purchase price का या per unit cost का उतनी परसेंट लिया करते थे। लेकिन अब इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का आप लेंगे, इंटरेस्ट 10% है तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 40 × 10% means 40 × 10 / 100 तो 4 आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने दोबारा से फार्मूले को लिखना है, EOQ is equal to under root 2 multiply by AR कितना है, मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है 64,800 × 400 / 5 + 4 ये इंटरेस्ट, दोनों को प्लस किया तो अब बटे के नीचे क्या आ जाएगा 9। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने पूरे फॉर्मूले को क्या करना है, कैलकुलेटर से सोल्व करना है। पहले बटे के ऊपर तीन चीजें हैं, उसको मल्टीप्लाई करें, 2 × 64,800 × 400 जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर लीजिएगा 9 के ऊपर और अंडर रूट ले लेंगे ना, तो आपका आंसर जो डायरेक्ट आएगा, मैं डायरेक्ट बताने लगा आपको, 2400 लीटर। यानी कि आपकी कंपनी का अकाउंटेंट क्या कह रहा है, सर ना साल के शुरू में मटेरियल मंगवाएं सारा 64,800 का, ना दरमियान में कर करके मंगवाएं अपनी मर्जी से। मैं आपको बताता हूं 2400 का माल, जब भी आपने माल मंगवाना है 2400 का माल मंगवाना है। पहली दफा माल मंगवाया, मटेरियल मंगवाया 2400 का मंगवाना है, दूसरी दफा भी मंगवाएं 2400 का मंगवाना है, तीसरी दफा भी मंगवाएं तो 2400 का मंगवाना है। सर जी जब भी मंगवाना है ना इस साल के अंदर आपने माल, हमेशा 2400 का मंगवाना है, 2400 से ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। मैनेजर ने कहा प्रूव करके बताओ, कैसे ये चीज प्रूव होगी, मुझे करके तो बताओ जरा। उसने कहा ठीक है सर, अभी देखे प्रूफ टेबल पे चलते हैं। चलें जी प्रूफ टेबल। प्रूफ टेबल में मैंने आपको बोला था जब भी प्रूफ टेबल बनाना है ना आपने 4 रोज बनानी है, तो ये देखे मैंने 4 रोज लगा दी। अब 7 कॉलम, पहला कॉलम क्या है AR एनुअल रिक्वायरमेंट, दूसरा ऑर्डर साइज, तीसरा नंबर ऑफ ऑर्डर, चौथा ऑर्डरिंग कॉस्ट, पांचवा इन्वेंट्री, पांचवा एवरेज इन्वेंट्री, छठा कैरिंग कॉस्ट और सातवां टोटल कॉस्ट। मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज की है, आपने पेपर में कभी गलती नहीं करनी, शॉर्ट वर्ड में ही यूज करें, आपने टेबल के अंदर कंप्लीट वर्ड यूज करने, चाहे टेबल जितना मर्जी लेंथी हो जाए, मैं आपको बता रहा हूं बार बार, ठीक है। अब देखें एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी थी, पहले तीनों रो में वो लिखें, एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी वह 64,800 और 64,800। अब आपका दूसरा कॉलम आ गया, वो है ऑर्डर साइज, तो ऑर्डर साइज मींस ईओक्यू कितना है 2400, तो 2400 हमेशा दरमियान में लिखना है, क्योंकि इससे इसको ही तो देखो, इसी बात को तो प्रूव करना है कि कंपनी के मैनेजर आपको यही तो पूछ रहा है अकाउंटेंट को, तू कहता है 2400 का हर दफा माल मंगवाना है, 2400 लीटर कर करके मटेरियल मंगवाना है, तो अगर मैं कम मंगवाऊं फिर मुझे बता, अगर मैं ज्यादा मंगवाऊं फिर मुझे बता, उसके माइंड में बात आ रही है। तो आप उसको कह रहे हो सर कम मंगवाओ फिर भी आपको महंगा पड़ेगा, ज्यादा मंगवाओ फिर भी आपको महंगा पड़ेगा, किसकी निस्बत 2400 की निस्बत। तो आप देखना, अगर इससे 2400 से इसका मतलब है एक चीज हमने कम अज्यूम करनी है, एक चीज हमने ज्यादा अज्यूम करनी है, तो इसको मिड में रखना है, ठीक है ना। अब मिड में जो है ना 64,800 उसके सामने लिखा 2400, उसमें से अब 2400 है ना मैंने 400 कम किया, 400 कम किया तो 2000, अब 2400 में 400 अगर कम किया तो 2000, तो 2400 में 400 ही ऐड करना है, तो नीचे आप लिखोगे 2800। बहुत से स्टूडेंट्स यहां से ये कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो आप लोग तो कह देते हो ना आराम से 400 कम कर लो 500 कम कर लो, हम जब खुद से करते हैं गलत होता है। नहीं स्टूडेंट्स, फर्ज करो आप 100 कम कर लो, 2400 में 100 कम करो 2300, अब 2400 में 100 ही बढ़ाना है, 200 ना बढ़ाने बैठ जाना, तो 2400 में 100 बढ़ाओ तो 2500, फर्ज करो 2400 में 200 काम करना है तो 2200 ऊपर लिखो, 2400 में 200 ऐड करो 2600 नीचे लिखो, 2400 में 300 काम करना है तो 2100 ऊपर लिखो, 2400 में 300 ही फिर ऐड करना है तो 2700 नीचे लिखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड किया आपने बात, कोई भी सिनेरियो ले जाए आपका क्वेश्चन सेम ही होगा, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं होता कि आपने हमारी ही नकल करनी है। अब देखो इसका मतलब ऑर्डर साइज आपका क्या हो गया 2000, 2400,
2800। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलते हैं, जब आप एनुअल रिक्वायरमेंट को ना ऑर्डर साइज के ऊपर डिवाइड करते हो, तो पहला एनुअल रिक्वायरमेंट आपके पास कितना है 64,800, इसको डिवाइड करें 2000 के ऊपर, तो आपका आंसर जो आता है, नंबर ऑफ ऑर्डर आता है ना, वो आता है 32.4। यानी कि आपको अगर आप 2000 लीटर मंगवाते, 2000 का मटीरियल हर दफा मंगवाते हो, तो स्टूडेंट्स आपको टोटल साल के अंदर ना 32 दफा ऑर्डर मंगवाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो, अब दूसरा जो नंबर ऑफ ऑर्डर हमने मालूम करना है, 64,800 को डिवाइड करो 2400 के ऊपर, तो आपका क्या आता है, नंबर ऑफ ऑर्डर आपके 27 आते हैं। यानी कि अगर आप 2400 का मटेरियल साल के अंदर मंगवाते हो, हर बार 2400 का, तो याद रखना टोटल साल में आपको 27 दफा ऑर्डर मंगवाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो तीसरी की बात करते हैं, तो 64,800 को डिवाइड करें 2800 के ऊपर, तो आपका क्या आता है आंसर, 23.14। यानी कि अगर आप 2800 यानी कि 2400 से ज्यादा माल मंगवाते हो, 2800 का माल मंगवाते हो साल के अंदर हर दफा, तो आपको टोटल जो ऑर्डर मंगवाने पड़ेंगे वो तो 23 मंगवाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आपका मैनेजर कहेगा कि अकाउंटेंट साहब, ये ज्यादा अच्छा नहीं है कि हम 2800 का माल मंगवाते हैं। अब आपको कहे सर, ये आपको दिखने में तो लग रहा है कि आप ऑर्डर कम मंगवाओगे, लेकिन इसकी कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, ये महंगा पड़ेगा। वो मैनेजर कहेगा कैसे, किसकी निस्बत महंगा पड़ेगा, आपको ये 27 की निस्बत ये महंगा पड़ेगा, ये 2400 यानी कि जो 27 दफा आपने ऑर्डर मंगवाना है ना, ये 27 दफा आपको ये दिखने में लग रहा है कि 27 दफा आपको मंगवाना पड़ेगा ऑर्डर, और 2800 में आपको 23 दफा ऑर्डर मंगवाना पड़ेगा। सर जी, ये दिखने में आपको ऑर्डर तो कम लग रहे हैं, लेकिन कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, ये महंगा पड़ेगा 27 की निस्बत, ठीक है ना। अब इसी बात को मैनेजर ने कहा ठीक है जी, प्रूव करके दे आगे। अब देखें नेक्स्ट कॉलम, जो कॉलम नंबर 4 है, वो है ऑर्डरिंग कॉस्ट का। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आती है, जो आपको क्वेश्चन में ऑर्डरिंग कॉस्ट दी होती है वो क्या थी आपकी, 400 रुपया। उसको आप हमेशा किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये जो आपने नंबर ऑफ ऑर्डर निकाले हैं, तो पहले आपने 32.4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 400 से, तो आपका आंसर जो आता है वो आपका आंसर आता है 12,960। पहला ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आ गई, 12,960। अब देखो, अब फिर 400 को ऑर्डरिंग कॉस्ट 400 ये फिक्स ही रहती है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ही है क्वेश्चन में, तो 400 को मल्टीप्लाई करें किससे, 27 से, तो ये आता है 10,800, 10,800, ठीक है ना। अब तीसरा देखिए, 400 को फिर मल्टीप्लाई करें 23.14, यानी कि 23.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,256, 256 रुपए, 9,256 रुपए आपके पास आएंगे। अब देखिए, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास आ गई। अब एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज का वर्ड जब भी आ जाए ना, आपने डिवाइड टू करना होता है, बात को अंडरस्टैंड आपने करना है, मैं बार बार बता रहा हूं, जब भी एवरेज का वर्ड आए ना, टू के ऊपर डिवाइड करते हैं, चाहे वो जिस मर्जी बुक के अंदर आपको एवरेज निकालने को कह दे, तो डिवाइड टू कर रहे हैं, लेकिन किसको, ऑर्डर साइज को। तो पहला ऑर्डर साइज आपके पास क्या है, वो है 2000, 2000 डिवाइड बाय 2, 1000, पहली एवरेज इन्वेंट्री आ गई 1000 फिफ्थ नंबर कॉलम में। दूसरा, 2400 को डिवाइड करें 2 के ऊपर तो 1200, 2800 को डिवाइड करें 2 के ऊपर तो 1400, तो इसका मतलब एवरेज इन्वेंट्री आपकी क्या आ गई, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, फिर 1400, ये आपकी क्या आ गई, एवरेज इन्वेंट्री आ गई। अब कैरिंग कॉस्ट हमने मालूम करना है, तो कैरिंग कॉस्ट स्टूडेंट्स कैसे आती है, आपने कैरिंग कॉस्ट को जो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना होता है, एवरेज इन्वेंट्री। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन के अंदर आपको कैरिंग कॉस्ट क्या दी हुई है, अब बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे 5, लेकिन गलत आप सोच रहे हो। देखो, कैरिंग कॉस्ट में जो इंटरेस्ट है ना, इसको ऐड करके जो 9 आपकी कैरिंग कॉस्ट आई है ना, ये आपने तसव्वुर करनी है कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट प्लस कर देना है, ठीक है, फिर कैरिंग कॉस्ट आती है, ठीक है ना, अदरवाइज तो कैरिंग कॉस्ट एक सिंपल रहेगी। तो आपने क्या करना है, कैरिंग कॉस्ट जब प्रूफ टेबल के अंदर कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है ना एवरेज इन्वेंट्री को, तब आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट में आपने इंटरेस्ट को प्लस किया हुआ है, ठीक है ना। अब देखें, आपने क्या करना है, 9 को लें, 1000 है पहली एवरेज इन्वेंट्री, 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9000, फिर 1200 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आता है 10,800, 10,800। फिर देखें स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, आपने 9 को मल्टीप्लाई किया 1400 से, तो आपके पास आता है 12,600 रुपया। अब देखिए, ये आपके पास क्या आ गई, कैरिंग कॉस्ट भी आ गई। अब टोटल कॉस्ट, अब टोटल कॉस्ट ही मैनेजर को पता चलेगा, अकाउंटेंट बताएगा कि सर जी देखें 2400 में जो कह रहा हूं ना, साल के अंदर इतना ही माल मंगवाना है, जब भी हमने मंगवाना है, तो सर इसकी कॉस्ट कम पड़ती है, वो कैसे,
टोटल कॉस्ट निकालनी है ना, तो टोटल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि हमें खर्चा इस सिचुएशन में हमें खर्चा कितना पड़ रहा है। आया कि हमें 2000 में खर्चा ज्यादा पड़ रहा है, 2400 में खर्चा ज्यादा पड़ रहा है, कि हमें 2800 में खर्चा ज्यादा पड़ रहा है। इसको उल्ट कर लो कि आया कि हमें 2000 में खर्चा जो है कॉस्ट जो है वो सस्ती पड़ रही है, आया कि हमें 1200 में कॉस्ट सॉरी 2400 में कॉस्ट सस्ती पड़ रही है, या आया कि हमें 2800 में कॉस्ट सस्ती पड़ रही है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि आपको आपने उतनी मुकदार में ऑर्डर लेना है जिस मुकदार में जोन से ऑर्डर आपको सस्ते पड़ रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमी का मतलब ही सस्ता होता है। अब देखें टोटल कॉस्ट आपने मालूम करनी है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो पहली ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास क्या है, पहली ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास है 12,960, इसमें जमा करें आप 1000, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आता है, आपके सॉरी 1000 नहीं, ये कैरिंग कॉस्ट है 9000। तो 12,960 में 9000 प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा 21,960 रुपए। ठीक है, इसका मतलब है अगर कंपनी जो है वो 2000 करके हर दफा मटेरियल मंगाती है साल के अंदर, तो उसको जितनी कॉस्ट पड़ती है, जितना उसको खर्चा पड़ता है, वो पड़ता है 21,960 रुपए का। अब 2400 की बात करते हैं, जो कि कंपनी का काउंटर ने कहा था कि ये लेनी चाहिए आपको। अब क्या करेंगे, जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट सेकेंड वन क्या है, 10,800, और कैरिंग कॉस्ट भी सेकेंड वन है यही है 10,800। तो ये आती है आपके पास 21,600। अब कम आई, अब कम आ गई, इसका ये मतलब हुआ कि 2400 जब भी आप 2400 करके मटेरियल मंगवाओगे, तो तब आपके पास जो खर्चा पड़ेगा वो बनिस्बत 2000, जब आप साल के अंदर 2000 का मटेरियल मंगवाओगे तो खर्चा हमेशा कम पड़ेगा। देख लो 2000 में खर्चा पड़ रहा है 21,960, 2400 में जो खर्चा पड़ रहा है वो पड़ रहा है आपको 21,600, तो आपको कम खर्चा पड़ रहा है 200-300 रुपए, आपको 360 रुपए आपको कम खर्चा पड़ रहा है। ठीक है, अब थर्ड की बात करते हैं, क्या हम जब ज्यादा मटेरियल मंगाएं 2800 का, तो तब भी खर्चा ज्यादा पड़ना चाहिए, देखिएगा अभी ज्यादा पड़ेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट थर्ड वन कॉलम में क्या है, 9,256 रुपए। ठीक है, इसमें प्लस कर दे 12,600 रुपया, तो आपके पास आता है 21,856 रुपए। तो इसका मतलब है ये भी ज्यादा पड़ा, किसकी निस्बत, 2400 की निस्बत। देखें 2400 के सामने आप देखते रहे आपको क्या खर्चा पड़ रहा है, 21,600 रुपया। ठीक है, 2800 के सामने आप देखें वो कितना है, 21,856 रुपए, और 2000 के सामने आप देखो 21,960 रुपया। तो आपके अकाउंटेंट ने इसका मतलब है बिल्कुल ठीक बात की थी कि सर अगर आप 24 लीटर करके साल के अंदर मंगवाते हो ना, तो याद रखना सर आपको हमेशा कम खर्चा पड़ेगा, बनिस्बत 2400 से कम कर लो, बनिस्बत 2400 से ज्यादा कर लो मटेरियल को। आपने 2400 से ना कम लेना है सर, ना 2400 से ज्यादा लेना है, एक रुपया भी सब्जी ज्यादा नहीं लेना आपने। ठीक है ना, ज्यादा मटेरियल नहीं आपने खरीदना। ओके स्टूडेंट्स, अब प्रूफ भी उसने करके बता दिया। अब आपको सेकंड रिक्वायरमेंट उसने क्या की थी, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर मालूम करने का तरीका क्या था, नंबर ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू, ये देखो प्रूफ टेबल में ही आपने किया हुआ है, एवरेज सॉरी एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। एनुअल रिक्वायरमेंट क्या थी हमारे पास, 64,800। ऑर्डर साइज हमारे पास ये जो निकला हुआ है 2400, क्योंकि हमने इसको ज्यूम नहीं किया, ये तो हमने निकाला हुआ था, तो इसी का अब हमने नंबर ऑफ ऑर्डर लेने हैं। तो देखो नंबर ऑफ ऑर्डर हमने मालूम करने हैं, तो इसको नीचे बटे के नीचे यानी कि 64,800 उसको डिवाइड करेंगे 2400 के, आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आएंगे, 27। यानी कि अगर हम साल के अंदर 2400 करके मटेरियल खरीदते हैं, मंगवाते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो हमने 27 दफा साल में ऑर्डर हमें देना पड़ेगा। अब नंबर थ्री जो रिक्वायरमेंट थी ना, उसमें आपको उसने ये कहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर का ये मतलब है मैनेजर अकाउंटेंट को ये पूछा है, देखो अकाउंटेंट तुमने सारा मेरा कंसेप्ट ठीक कर दिया, अब मुझे ये बताओ ये जो मैंने 2400 करके माल लेना है ना, और साल में मैंने 27 दफा लेना है, ये मुझे बताओ कितने दिन बाद मैंने लेना है। ठीक है, उसने कहा सर जी अभी देखें, ये इसका मैंने आपको बताया 23 नंबर क्वेश्चन के अंदर ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर का दूसरा नाम है नंबर ऑफ ऑर्डर इज प्लेस्ड। तो सेम वही चीज है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर इज प्लेस्ड या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर आ जाए, तो फार्मूला बनता है साल के अंदर कितने दिन होते हैं, 365 डिवाइडेड करें नंबर ऑफ ऑर्डर वो कितने हैं, 27, तो आपके पास आएगा 13.5। तो 13.5 को राउंड ऑफ करें क्योंकि 5 से बड़ा है, पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू आ जाए ना, तो एक ऐड कर देते हैं पॉइंट से पीछे वाले में, तो 13 में एक प्लस किया तो 14। इसका मतलब है मैनेजर को अकाउंटेंट ने कहा कि सर आपने ना 2400 करके साल के अंदर माल लेना है, जब भी खरीदना है 2400 से ना कम ना एक रुपया ज्यादा खरीदना है। तो सर जी पूरे साल के अंदर आपने टोटल 27 ऑर्डर लेने हैं, 27 दफा माल खरीदना है, और हर 14 दिन के बाद आपने माल खरीदना है। ये है स्टूडेंट्स एक कंप्लीट क्वेश्चन।
आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ में आई होगी। अगर इसके अलावा फिर भी आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई परेशानी आए, कोई मुश्किल आए, कोई प्रॉब्लम आपको आ जाए, कोई क्यूरी आ जाए, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अब मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं ताकि आप इस क्वेश्चन की पिक लो। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।